बहुत बहुत स्वागत है त्रिकोणमिति के क्लास में आपका। और इस वीडियो में हम हैं आपके बीच में यौगिक कोण, जिसे संयुक्त कोण भी कहते हैं, इसके साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कि संयुक्त कोण, कंपाउंड एंगल या यौगिक कोण कहते हैं इसको। कोई भी यौगिक की परिभाषा जब हम पढ़ते होंगे रसायन विज्ञान में, तो तत्वों के मिलने से निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता था। यौगिक कंपाउंड शब्द है, संयुक्त शब्द है, स्पष्ट करता है दो या उससे अधिक आकर जुड़ा है। तो मैथमेटिक्स में भी दो कोण का जोड़ना, दो कोण का अंतर, ये कहलाता है यौगिक कोण। यौगिक कोण ए प्लस बी, ए माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सबके जो रूप के कोण होते हैं। इसमें देखिए एक कोण है ए, एक कोण है बी, दोनों कोण मिल गया ए प्लस बी, ये कहलाएगा यौगिक कोण। ए प्लस बी, ए माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी के रूप के कोण को यौगिक कोण कहते हैं। अब हम इसी में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और हमने इसमें देखा इसके रूप क्या होंगे, योग रूप, योग रूप एडिशन फॉर्म, और अंतर रूप डिफरेंस फॉर्म। योग रूप जैसे भी हमने ए प्लस बी देखा, ये योग रूप है, योग रूप है, ए माइनस बी देखा, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी बहुत सारा हो सकता है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में, यानी इस क्लास के अंदर, हम केवल दो कोण और तीन कोण के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का योग और दो कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अंतर देखेंगे। उसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। फिलहाल इसमें हम ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी के रूप में टी आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसमें तो साइन कॉस टेन कॉट मेनली साइन कॉस टेन है। जब हम इसको पलट देते हैं तो कॉसेक सेक कॉट प्राप्त हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लें, संयुक्त कोण ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी के रूप के कोण को संयुक्त कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह लें, दो कोण के योग रूप या दो कोण के अंतर रूप को, दो या उससे अधिक कोणों के योग रूप या दो या उससे अधिक कोणों के अंतर रूप को यौगिक कोण कहते हैं, इसे संयुक्त कोण भी कहते हैं। हम पहले ए प्लस बी के रूप में टी आर देखते हैं, ए प्लस बी के रूप में टी आर, ए प्लस बी के रूप में टी आर साइन ए प्लस बी। और ध्यान में रखना है इसके आगे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी। अब हम कहेंगे कि sec a plus b और cos a plus b, sec a plus b रहेगा तो 1 by cos a plus b कर दीजिए। चलिए sin a plus b क्या होता है इसको देखते हैं। sin a into cos b plus cos a into sin b, कुछ बस थोड़ा सा ध्यान देना है, a के साथ sin है वहां a के साथ कॉस है, बी के साथ कॉस है वहां, यानी एक बार ए के साथ साइन, बी के साथ कॉस, एक बार ए के साथ कॉस, बी के साथ साइन, बस बीच में प्लस चिन्ह। कॉस ए प्लस बी दोनों पहले आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और इसका होता है कॉट बी इंटू कॉट ए
माइनस वन बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। इन चारों फॉर्मूला को हमें बहुत बहुत ध्यान से देखना है। इसका ज्योमेटिकल प्रूफ होता है जिसके बारे में मैं अभी ही स्पष्ट कर दूं, जब हमारा कंपाउंड एंगल का पार्ट टू आएगा तो हम उसमें इसके ज्योमेटिकल प्रूफ को देखेंगे। ये साइन ए कॉस बी इतना क्यों हो, साइन ए कॉस बी इस तरीके का। फिलहाल तो इसको देखते हैं, ध्यान में रखते हैं और इसका उपयोग करके हम जो प्रमुख त्रिकोणमितीय कोण है उनके मान को निकालेंगे, उनको हम थोड़ा सा चर्चा करें। इससे पहले थोड़ा इसी पर आप विचार कीजिए। माइनस कर दे हम यहां पर इसी फॉर्मूला से, साइन ए प्लस माइनस, नीचे माइनस, वहां भी नीचे माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस। जब हम माइनस करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। तो ये फिर यहां माइनस, ये ऊपर यहां प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस कॉट ए प्लस माइनस बी, माइनस प्लस माइनस। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे साइन ए माइनस बी, निचला साइन से चलिएगा, माइनस नीचे है तो नीचे से चलिए, तो क्या बोलेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए, टेन ए माइनस बी टेन ए निकला नीचे वाला, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन, कॉट ए घटे बी कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन, नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। हम विशेष रूप से जब कहे जब इसका ज्योमेटिकल प्रूफ देखेंगे तो चर्चा होगी, लेकिन ध्यान में रखना हमको ए प्लस बी ए माइनस बी के, ये ए प्लस माइनस बी अभी प्लस बी के रूप में किया हमने लिखा था, लेकिन इसी में हमने माइनस भी कर दिया, इसमें थोड़ा इसको सुधार के इसको भी कर दिया प्लस माइनस बी के रूप में किया, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या दो से अधिक कोणों के लिए निकालना हो तो हम इसी से निकाल सकते हैं। हम तीन कोणों के लिए टी आ रहा है, उससे पहले इस दोनों के यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की सहायता से त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में कुछ खास कोणों के मान देते हैं। 15 डिग्री के लिए, 75 डिग्री के लिए, 105 डिग्री के लिए, देखते हैं टी आर क्या होता है। इसे याद ध्यान में रखना होगा हमको, 15 डिग्री के लिए टी आर, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री के लिए टी आर। अब जरा देखिए 15 डिग्री जो हम सिंपल जानते हैं उसमें किससे आ सकता है, या तो 15 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं 15 डिग्री को 45 माइनस 30 इस रूप से, नहीं तो 15 को ये भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45, जिस रूप में भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। 15 डिग्री को अगर हम 45 माइनस 30 में भी लिखेंगे तो भी ठीक है, 15 डिग्री को 60 माइनस 45 में लिखेंगे तो भी ठीक है। अब हमसे पूछा गया साइन 15 का मान, सब कुछ ठीक पूछा गया, साइन 15 क्या लिखेंगे हम, साइन 15 को साइन आप 45 घटे 30 कर दें, अब ये आ गया साइन ए माइनस बी पर, साइन ए की जगह 45 बी की जगह 30, यानी ए के स्थान पर 45 बिठाइए, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब साइन 30 का मान और 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 बैठाइए, संगत मान जो आप जानते हैं इसको बैठा दीजिए, इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 एलसीएम ले 2√2
ऊपर में आ गया रूट थ्री माइनस वन। इस तरीके से साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा रूट थ्री माइनस वन टू रूट टू। रेशनलाइज करना हो अगर डिनोमिनेटर को तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हम रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर रूट सिक्स माइनस रूट टू और नीचे फोर, ये भी होगा। लेकिन इस रूप में ही आपको याद रख। अब साइन 15 हम लोग पढ़े थे, यदि एक्स प्लस वाई बराबर 90 हो, वाई बराबर देख सकते हैं 90 माइनस एक्स, तो साइन 15 का जो वैल्यू आएगा वह कॉस 75 के बराबर होगा। साइन 15 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 75। क्यों कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, का कॉस 90 माइनस 15 कॉस 75 बराबर, या साइन 15 को ऐसे देखिए साइन 15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा यानी कॉस 75, तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही हमारा कॉस 75 डिग्री का होगा। इस तरीके से ये निकालने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगा इसी तरह से। ऐसे कॉस 75 को हम कॉस 45 प्लस 30 जिसको हम जानते हैं उस रूप में लिख 45 प्लस 30 के रूप में भी तोड़ के कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यदि हमें कॉस 15 निकालना होता साइन 15 के जगह पे कॉस 15, फिर कॉस को हम 45 माइनस 30 के रूप में रखते, कॉस 15 फिर क्या करेंगे हम कॉस 45 माइनस 30, कॉस 45 माइनस 30 को कॉस 45 फॉर्मूला ध्यान में रखिए, कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला में हमने देखा था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब इस आधार से हम वैल्यू बिठा दें 1/2 कॉस 30 का रूट 3/2 प्लस 1/2 साइन 30 का 1/2 टू रूट टू रूट थ्री प्लस वन यानी कॉस 15। ध्यान में रखिए अब कॉस 15 बराबर इतना आया साइन 75 इतना होगा, फिर उसी तरह से कॉस 15 को हम लिख सकते थे यानी जो वैल्यू कॉस 15 का आया है वही वैल्यू साइन 75 का आएगा, जो वैल्यू साइन 15 का आया है वह वैल्यू आएगा कॉस 75 का। इस प्रकार से हम 15 डिग्री के लिए 75 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलरली टैन 15 डिग्री का निकालना हो हम फिर इसी तरीके से निकालेंगे, टैन 15 डिग्री बराबर टैन 45, देखिए टैन 15 सीधा हम लिखते हैं, टैन 15 को लिख सकते हैं टैन 45 माइनस 30, और टैन 45 माइनस 30 टैन ए माइनस बी पर टैन 45 माइनस टैन 30 अपॉन 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन 30। अब वैल्यू बिठाइए टेन 45 1 माइनस टेन 30 1 बाई रूट 3 1 प्लस 1 बाई रूट 3 एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर नीचे करिएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 आया, ये आया हमारा टेन 15 का वैल्यू। आप अगर चाहेंगे तो फिर रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को, टेन 15 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कॉट 75 का, फिर इसी तरीके से कॉट 15 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 15 डिग्री के लिए 75 डिग्री के लिए इन कोणों के लिए जब हमको निकालना होता है तो हम कंपाउंड एंगल का उपयोग करके वैल्यू को ज्ञात करते हैं। 105 का ज्ञात करना हो 105 डिग्री के लिए फिर हमको लिखना पड़ेगा साइन 105, तो साइन 105 जिसको दो ऐसे फॉर्म में तोड़िए जिसका मान आप जानते हैं, जैसे साइन 105 तो आप जिसको जानते हैं इसको लिख दीजिए 60 प्लस 45, इसको तोड़िए फिर साइन ए प्लस बी पर साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45,
हेल्प भी है साइन 60 रूट 3 बाई 2 कॉस 45 1 बाई रूट 2 कॉस 60 1 बाई 2 साइन 45 1 बाई रूट 2 आ गया रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 यही वैल्यू आया था आप देखते होंगे साइन 75 डिग्री का। ऐसे भी देखें जब आपको साइन 75 आ गया और तब पूछ रहा है साइन 105 तो साइन 105 बराबर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 75 और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें ध्यान में होगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन 75 साइन 105 बराबर साइन 75। तो जनरली कंपाउंड एंगल की सहायता से इस तरह से हम वैसे कोण को कमान ज्ञात करते हैं जिसे ज्ञात कोण जो है उसके योग के रूप में या उसके अंतर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं परिणत कर सकते हैं उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। अब इसकी सहायता से यानी a प्लस b वाला हमने जो कहा है इसी की सहायता से हम लोग चाहे साइन a प्लस b प्लस c का कॉस a प्लस b प्लस c का टेन a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होता है कैसे होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थोड़ा आप ध्यान रखना है आप खुद टैन 15 कॉट 15 टैन 75 टैन कॉट 75 यानी 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री को भी आप 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो इस रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो वैल्यू होंगे उसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड एंगल को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट हमने उसमें बताया a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का इसके बाद हम लोग a प्लस बी प्लस सी या उससे अधिक वाले का देखेंगे और फिर ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।